नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रियंका, एंड कंसल्टिंग डाइटिशियन फ्रॉम शिवाया फिजियोथेरेपी एंड स्पोर्ट्स रिहैबिलिटेशन सेंटर मेरठ। दोस्तों, आज मैं आपसे होम्योपैथी के बारे में कुछ बातें शेयर करना चाहूंगी। होम्योपैथी मेडिसिन जो सिस्टम है वो हमारे जर्मनी से ओरिजिनेट हुआ था, इंडिया का ओरिजिनल नहीं है। लगभग 1700 में तो ऑब्वियसली ब्रिटिश इंट्रोड्यूस सिस्टम इन इंडिया, बट आज के टाइम में हम इसे काफी लार्ज स्केल पर यूज कर रहे हैं बिकॉज ऑफ बेनिफिशियल रिजल्ट्स। होम्योपैथी जो सिस्टम है वो किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, वो ये मानता है कि बॉडी कैन क्योर इटसेल्फ, बॉडी अपने आप को खुद हील कर सकती है। बट क्योंकि कई बार हमारा इम्यून सिस्टम वीक पड़ जाता है तो हमें उसे ट्रिगर करने की जरूरत पड़ती है और होम्योपैथिक मेडिसिन वही काम करती है, हमारे नेचुरल डिफेंस सिस्टम को वो ट्रिगर करती है। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट लाइक क्योर्स लाइक। इसका मतलब क्या है कि जो एक अगर एक हेल्दी इंडिविजुअल ने हमने कुछ ऐसा सब्सटेंस एडमिनिस्टर किया और एक ऐसा सब्सटेंस जिसने कुछ सिम्टम्स पर्टिकुलर सिम्टम्स उसमें जनरेट किए और फिर दूसरे इंडिविजुअल जो बीमार है उसमें भी वैसे ही सिम्टम्स ऑलरेडी आ रहे हैं, तो वही पर्टिकुलर सब्सटेंस हम उस अनहेल्दी इंडिविजुअल में जब एडमिनिस्टर करेंगे तो वो काम करेगा और होम्योपैथी मेडिसिन यही करती है। इसी तरह से इसकी शुरुआत हुई थी डॉक्टर सैमुअल हेनमैन, उन्होंने सिंकोना बार्क का इस्तेमाल किया था अपने ऊपर जबकि वो हेल्दी थे और फिर जो सिम्टम्स जनरेट हुए उन्होंने देखा तो मलेरिया में जनरेट होते हैं और उन्होंने मलेरिया के पेशेंट को भी वही दे करके देखा और ये चीज प्रूफ की पहले खुद को और फिर वर्ल्ड को। तो इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड हमारा होम्योपैथिक मेडिसिन सिस्टम चलता है और ये मेडिसिन सिस्टम ये भी मानता है कि जितने स्मॉल डोसेस से आप दवाइयों को एडमिनिस्टर करेंगे उतनी ही वो इफेक्टिव मेडिसिन प्रूफ होगी। तो इसलिए बहुत डाइल्यूशन के बाद पोटेंटाइजेशन करके हम मेडिसिन को एडमिनिस्टर करते हैं, शुगर पिल्स के फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में या जेल्स क्रीम जैसे भी है, टैबलेट्स के फॉर्म में। साथ ही दोस्तों, होम्योपैथिक मेडिसिन सबसे पहले तो किस किस बीमारी में हमें होम्योपैथिक मेडिसिन यूज करना चाहिए आपसे ये शेयर करना चाहूंगी। आप एक्यूट बीमारियों को एक्यूट डिजीजेस जो है आपके एकदम से कफ कोल्ड नौशिया वोमिटिंग हेडेक हो रहा है तो इंस्टेंटली भी आप इनको यूज कर सकते हैं। ये जो मिथ है कि नहीं होम्योपैथी नहीं करेंगे यूज बिकॉज बहुत लंबे टाइम में आपको असर करेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आप एक होम्योपैथ से मिलते हैं तो वो आपकी पूरी असेसमेंट करते हैं, आपकी फिजिकल मेंटल इमोशनल हेल्थ के बारे में बहुत सारे सवाल पूछते हैं, उस हिसाब से आपको सूट होने वाली मेडिसिन वो प्रिपेयर करते हैं आपके लिए, उसी हिसाब से पोटेंटाइज करते हैं, डाइल्यूट करते हैं, मिक्स करते हैं, अपने डोसेस वैरी करते हैं, क्वांटिटी क्वालिटी सब चीजें। तो इंस्टेंट रिजल्ट जो चाहिए होगा तो इंस्टेंट के हिसाब से प्रिपेयर होते हैं और जो आप क्रोनिक डिजीजे उनके पास लेके जाते हैं जैसे आपको लंबा लंबे टाइम से माइग्रेन है या कोई एलर्जीज है, स्किन में कोई प्रॉब्लम है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, इस तरह की बीमारियों में भी होम्योपैथिक मेडिसिन ने बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। तो हम ये बिल्कुल कंक्लूड नहीं कर सकते कि नहीं होम्योपैथी बहुत लंबे टाइम में असर करेगी तो हम छोटी मोटी बीमारियों के लिए होम्योपैथी नहीं प्रेफर कर सकते, तो आप एक्यूट एज वेल एज क्रोनिक डिजीज के लिए इसको आराम से यूज कर सकते हैं। साथ ही इसके रिलेटेड जो रिसर्च है हम उसके बारे में बात करेंगे तो रिसर्च काफी मिक्स्ड है, कुछ साइंटिस्ट डॉक्टर्स या कुछ एक्सपर्ट्स उन्होंने जो स्टडी किया है उसके हिसाब से मानते हैं कि नहीं इट इज नॉट इफेक्टिव, कोई ट्रायल तो होते नहीं है इसके जितने एलोपैथिक मेडिसिन सिस्टम के होते हैं तो वो इसके साथ नहीं जाते हैं। बट एट द सेम टाइम कुछ स्टडीज इसको प्रिफर करती हैं, इसको बहुत अच्छा बताती हैं, इसने रिजल्ट भी दिए हैं, ऐसी बात नहीं है। सो रिसर्च इज वेरी मिक्स्ड, तो आप अपने इंडिविजुअल बेसिस पे आप खुद जजमेंट कर सकते हैं जब आप इसको यूज करते हैं। लेकिन और साथ ही मैं ये बता दूं कि यूज करना ट्राई करना भी पर ये नहीं कि आप बहुत रिस्क में अपनी लाइफ को डाल रहे हैं, इट इज वेरी सेफ, एक सेफ मोड में इसका इस्तेमाल होता है क्योंकि नेचुरल इंग्रेडिएंट्स ही मेडिसिन बनी होती है, प्लांट्स एनिमल्स एक्सट्रैक्ट मिनरल एक्सट्रैक्ट, तो कुछ ज्यादा एडवर्स इफेक्ट आपकी बॉडी में एकदम नहीं देंगे, आपको धीरे धीरे पता चलने लगेंगे बॉडी में चेंजेस, उसके बेसिस पे आप पर्सनली अपने ओपिनियंस शेयर कर सकते हैं कि आपको कैसा लगा होम्योपैथिक मेडिसिन यूज करके। साथ ही एक जो आपको प्रिकॉशन रखना होगा, जब भी लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज से आप सफर कर रहे हैं
लाइक हार्ट डिजीजेस है या कैंसर है या अस्थमा है या कोई इमरजेंसी कंडीशन है, उसमें हमें बड़े मेडिसिन पे रिलाय मत कीजिए, ये मैं खुद कहना चाहूंगी। बिकॉज यहाँ पे आपको एलोपैथी मेडिसिन जो कि काफी हाई डोजेस में रहती है, काफी इंस्टेंट रिजल्ट देती है, वही आपके काम में। तो सिर्फ यही एक वीक पॉइंट है हम कह सकते हैं एलोपैथी मेडिसिन सिस्टम का। अदरवाइज इसके कोई ऐसे लिमिटेशन नहीं है कि पर्टिकुलर बीमारी कोई नहीं ठीक कर सकता है। आप इसको आप एक अच्छे होम्योपैथ से अगर मिलेंगे डेफिनेटली आपको एलोपैथी से अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। सो लास्टली थैंक यू सो मच एंड अपनी लाइफ में होम्योपैथी को एक बार जरूर ट्राई कीजिए। थैंक यू सो मच।